इटावा की बसरेहर पुलिस ने बरेली हाईवे पर कंटेनर में अमृतसर से बिहार ले जाई जा रही 2 करोड़ रुपए कीमत की शराब पकड़ी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि पंजाब की अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर इटावा से चोपुला पुल जा रहा है। बरेली हाईवे पर लोहिया पुल के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान कंटेनर को पकड़ा। तलाशी लेने पर कंटेनर से 1,540 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कंटेनर पकड़ा गया है और इसमें लगभग 3,05,00,000 की पूरी प्रॉपर्टी है। 2,30,00,000 की लगभग हमारी जो है ये आपकी शराब है और तथा 90,00,000 लगभग इसका जो ट्रक का कंटेनर का दाम है। तो कुल मिला जुला के 3 करोड़ प्लस इसका पूरा जो है हमारा ये जो पूरा मटेरियल पकड़ा गया है। इसमें एक मुलजिम वक्ताराम पकड़ा गया जो बाड़मेर राजस्थान का निवासी है तथा इससे पहले भी 1.5 माह पहले सूरतगढ़ में ये राजस्थान में पकड़ा गया था। 3 करोड़ से ऊपर की ये शराब बताई जाती है और इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए इटावा पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 52/23, 60/63, 60/72 आबकारी अधिनियम का अभियोग भी दर्ज किया गया है तथा मुलजिम गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।